सोलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर आप भी HDFC का जो पेज UPI एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल नहीं किया है, यानी आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आप उसको यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा एंड सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है UPI की तरफ से। अगर आपको नहीं मालूम इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे किया जाता है, तो इसके ऊपर मैंने रिसेंटली बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ। आप मेरे प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं और इस तरीके की वीडियो देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर जो आप ऑलरेडी यूज़र हैं HDFC पेज एप्लीकेशन का, तो आप इसे एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट कैसे बुक करेंगे। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बट इस वीडियो में बात करेंगे फ्लाइट टिकट बुक करने का प्रोसेस क्या है, इसके बुक करने के लिए आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और यहां से आपको मतलब बुक करने से क्या क्या फायदे होंगे, एंड बुक करने का जो पेमेंट ऑप्शन है यहां पे क्या क्या आपको सिलेक्ट करना होगा, ये सारा कुछ आज वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो का बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अकील और टेक फ्राइडे चैनल में हमेशा की तरह आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अपने डिवाइस के अंदर जो HDFC का जो पेज एप्लीकेशन है आपको सबसे पहले उसको ओपन कर लेना होगा। चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस हो जाएगा इस एप्लीकेशन का। तो फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए फ्रेंड्स, आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर फ्लिपकार्ट इंस्टेंट वाउचर और थर्ड में ऑप्शन मिलेगा फ्लाइट का, तो आपको जस्ट फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए हम फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। आपको इस तरीके से इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना एंटर कीजिएगा और एंटर कर लेने के बाद आपको नीचे फिर फाइव का बटन मिलेगा, जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके इस नंबर पर OTP सेंड हो जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। चलिए, मेरा OTP फिलहाल आ चुका है, हम OTP को यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना होगा OTP सिर्फ 3 मिनट के लिए वैलिड होता है। तो हम यहाँ पर OTP को एंटर करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको लोकेशन एंटर करना होगा। आप किस लोकेशन से किस लोकेशन तक फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली। और उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कहाँ तक जाएंगे फ्लाइट के द्वारा। हम यहाँ पर मुंबई को सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर ऊपर में राउंड ट्रिप। अगर आप दोनों का रिटर्न का भी बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ जाने के लिए बुक कर रहा हूँ वन वे। यहाँ पर राउंड ट्रिप का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको डिपार्चर पर क्लिक करके आपको डेट सेलेक्ट करना होगा, कौन से डेट में आप फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं। हम डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी एक, आपको भी जिस डेट में चाहिए आप सेलेक्ट कीजिएगा इस तरीके से। और उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा थर्ड नंबर पर ट्रेवलर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपके साथ कितने बच्चे हैं, आपके साथ कितने मतलब बड़े हैं। यहाँ पे देखिए एयर्स दिया हुआ है, 12 साल के बड़े कितने हैं, 12 साल से नीचे कितने हैं और 2 ईयर्स के नीचे कितने हैं, उसके साथ यहाँ पर काउंट कीजिएगा। और यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा 1, 2 जो भी होगा, बट मैं अकेला हूँ तो यहाँ पर अकेला रहने देता हूँ। उसके बाद आपको क्लास का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी। सबसे हार्ड प्रीमियम इकोनॉमी है फ्रेंड्स, मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा, बट आपको इकोनॉमी सिलेक्ट करना होगा। मतलब ये नॉर्मल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपके मतलब आप ज़्यादा थोड़ा हाई फाई हैं तो आप अपने हिसाब से बुक कर ले सकते हैं, बट मैं यहाँ इकोनॉमी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सर्च फ्लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद उस रूट के जितने फ्लाइट होंगे उन सभी का लिस्ट शो हो जाएगा एंड डेट भी शो हो जाएगा, उस डेट में कौन कौन से फ्लाइट हैं और कितने टाइम लेती है फ्लाइट वहाँ तक जाने में। आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएंगे एंड आप ये भी पता कर सकते हैं कि इसका स्टॉपेज है बीच में नहीं, डायरेक्ट यहाँ मतलब दिल्ली से मुंबई है, बीच में कहीं रुकेगी भी। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नॉन स्टॉप है, मतलब डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई है। तो आप इसको बुक करना चाहते हैं तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, मतलब वेबसाइट का 2 ऑप्शन मिलेगा, क्लियर ट्रिप और यात्रा का। जिससे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मैं क्लियर ट्रिप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। बुक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएंगे। यहाँ आपको टोटल पैसा यहाँ पर शो हो जाएगा, कितना पैसा आपका चार्ज लगेगा, आपको एक बार सही से देख लेना है क्या है कैसा है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईमेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा जिस पर्सन का फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं। चलिए हम उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं। ईमेल आईडी आप जरूर फिलअप कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईमेल आईडी को फिलअप करना। उसके बाद मोबाइल नंबर आप फिलअप कीजिएगा और यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, बट हम यहाँ पे एड्रेस को मतलब पैसेंजर एड्रेस को फिलअप करना भूल गया था फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा पैसेंजर का नाम। एक बात बता दो फ्रेंड्स, आपको उस तरीके से नाम एंटर करना है जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर नाम होगा, सेम टू सेम नाम मैच होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी। चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर लिए हैं और डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पर उसके हिसाब से मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ।
आपको भी फ्रेंड्स आधार कार्ड के हिसाब से मैच होना चाहिए, बिल्कुल मिसमैच नहीं होना चाहिए, इसलिए फ्लाइट टिकट आप बुक कर रहे हैं। और उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना हो। चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा फ्रेंड्स, और उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा प्रीवियस आ चुका है, तो फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू पर इजीली क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो होगा कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, मतलब यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके का। तो यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, HDFC नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड EMI। बट मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डेबिट कार्ड ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, इस पर चार्ज आपका कम है। और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा कार्ड नंबर, नेम ऑन द कार्ड, मतलब कार्ड पे किसका नाम है, उस तरीके से नाम यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद मंथली, ईयर्स और CVV नंबर जो कार्ड के फर्स्ट पेज पर ही आपको देखने को मिल जाएगा, आपको पता ही होगा। और सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको इस पर चेक मार्क करके पे सिक्योरली पर क्लिक कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर OTP सेंड हो जाएगा, जिस जो अकाउंट से लिंक होगा नंबर, और उस OTP का फिलअप करेंगे तो आपका सक्सेसफुली यहाँ फ्लाइट टिकट बुक हो जाएगा। बट मुझे बुक नहीं करना है, सिर्फ आप लोग को बताना था कि आप इस प्रोसेस के साथ अपना फ्लाइट टिकट को खुद से घर बैठे ही आसानी से बुक कर सकते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।